राम राम जी, आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये चैन बना के दिखाऊंगी क्रोशिए से। आप इसको चुन्नी पर बना लो, सूट पर बना लो, तकिए पर बना लो, कहीं भी बना लो, बनाई हुई बहुत अच्छी लगेगी। ये बना के दिखा रही हूँ आपको। अगर आपको मेरी ये बनाई हुई अच्छी लगे और बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पता चले कि बाब वीडियो डाल दी मैंने। अब देखो शुरू करेंगे। पहले हम ये यहाँ पे गांठ बना लेंगे ऐसे करके, यूँ धागा यहाँ बीच से निकाल लेंगे यूँ। फिर ये ऐसे कर लेंगे इसको। फिर ऐसे लपेट के उंगली पे पहले हम कपड़े में एक फंदा बना लेंगे इसका, ऐसे यूं डाल के। अब ये बना लिया। अब आगे दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर ऐसे लपेट के ये एक फंदा हो गया। अब एक से दो हो गए हमारे, ऐसे लपेट लिया हमने। फिर आगे इसी जगह जहाँ पहले हमने फंदा बनाया था, एक है कपड़े में डाला था जो चैन बनाई, यहाँ से निकाल के यूँ। अब ये तीन हो गए, फिर दो का एक कर देंगे। अब दो बच गए, फिर दो का एक। अब यहाँ हम दो चैन बना लेंगे, एक दो। अब दो चैन बना के अब देखो ये दिखाई दे रहा है, जहाँ से हमने दो चैन शुरू करी थी वहाँ से ये देखो फंदा दिखाई दे रहा है। इसमें से ऐसे निकाल लेंगे हम। अब ये दो फंदे हो गए हमारे, दो का फिर एक कर देंगे। फिर ऐसे दो फंदे बना के फिर एक बार फिर यहीं से निकाल लेंगे। अब ये तीन फंदे हो गए, फिर तीन का फिर दो का एक करेंगे, फिर एक बार फिर दो का एक करेंगे, फिर एक बार फिर दो फंदे बना लिए, फिर एक बार फिर यहीं से दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक। अब ये चार फंदे हो गए हमारे, चार बना दिए, एक दो तीन चार। फिर दो चैन बना लेंगे, एक दो। फिर आगे यहाँ कपड़े में ऐसे डाल के अब ये एक दो फंदे हो गए, फिर दो का एक। अब आगे दो चैन बना लेंगे, एक दो। फिर ऐसे धागा लपेट के फिर यहीं से फिर निकाल लेंगे एक फंदा। अब ये तीन फंदे हो गए, दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक। एक बार तो हमने दो चैन बना के बनाया था, एक बार फिर हमने एक बार फिर बना लिया। अब ये दो हो गए, फिर दो चैन फिर बना लेंगे, एक दो। अब यहाँ ऊपर से जहाँ से हमने दो चैन बनानी शुरू की थी वहाँ से देखो ये ऐसे डाल के क्रोशिया एक धागा निकाल लिया। ऐसे दो फंदे हो गए, फिर दो का एक, फिर दो फंदे बना के यहीं से फिर हम दो बार निकाल लेंगे। तीन बना लिए, फिर दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक, फिर दो फंदे बना लिए, फिर एक बार फिर यहीं से दो का एक, फिर दो का एक। आगे फिर दो चैन बना के अब यहाँ कपड़े में एक फंदा निकाल लेंगे, कपड़े में से निकाल के दो का एक कर दिया। अब दो चैन बना लेंगे, एक दो। फिर ऐसे लपेट के एक फंदा और यहाँ से ऐसे निकाल के लंबा बना लेंगे ये थोड़ा सा। अब दो का एक, फिर दो का एक,
फिर यहाँ दो चैन बना के एक दो, फिर यहाँ से एक फंदा निकाल के ऐसे छोटा निकालेंगे ये वाला फंदा, फिर दो का एक। जैसे ये तो हम लंबी चैन बना ले हैं, लंबा फंदा बना ले हैं इसको, अब दो बार निकालेंगे यहाँ से इसी जगह से एक, फिर ये दो का एक, फिर दो का एक, फिर एक बार फिर दो का एक, फिर दो का एक, आगे फिर दो चैन बना के फिर यहाँ कपड़े में ऐसे डाल लेंगे। ये वाला फंदा भी हम छोटा निकाल लेंगे, दो का एक कर दिया, फिर एक दो, दो चैन बना के फिर ऐसे लपेट लेंगे, फिर यहीं से फिर एक फंदा निकाल लेंगे ऐसे लंबा फंदा, फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो चैन बना के यहाँ ऊपर से देखो ये पता भी चल रहा है कहाँ से निकाल लेंगे हमें ऐसे, ये भी छोटा फंदा निकाल लिया। अब दो फंदे बना के फिर दो बार निकाल लेंगे यहाँ से एक दो का एक, दो का एक, फिर दो, अब ये दूसरी बार निकाल रहे हैं, अब ये टोटल चार बार निकाल लें हम। एक बार तो पहले अब देखो ऐसे निकाल लेंगे दो चैन बना के, एक बार तो ये हो गया जो ये निकाल लिया है, ये छोटा फंदा निकाल लिया हमने, एक बार तो ये गिनेंगे दो चैन बना ली हमने, एक बार तो ये हो गया, फिर अब दूसरी बार ये हो गया दो का एक, फिर दो का एक, अब यहाँ दो चैन बना के फिर यहाँ से एक फंदा ऐसे निकाल लेंगे, अब ये फंदा भी हम छोटा निकाल लेंगे, दो बार निकाल दिया, अब तीसरी बार यहीं से फिर निकाल लेंगे दो का एक, दो का एक, अब चौथी बार यहीं से फिर निकाल लेंगे। अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना पांच बार निकाल लो, छह बार निकाल लो, मैं चार ही बार बना रही हूँ इसको। ये देखो तकिए पे भी बनाएंगे हम, उस पर अच्छा लगेगा ये। अब इसी तरह बनाएंगे हम ये चैन, फिर दो चैन बना के फिर आके फिर इसी तरह फिर एक छोटा फंदा निकाल लेंगे ऐसे। अब एक दो, अब एक बार गिनेंगे इसको, अब दूसरी बार यहीं से फिर निकाल लेंगे दो का एक, फिर दो चैन बना के यहाँ जो ये धागा दिखाई दे रहा है इसके बीच से एक फंदा निकाल लेंगे ऐसे, ये भी हम छोटा फंदा निकाल लेंगे, फिर ऐसे लपेट के दो बना लिए, फिर यहीं से फिर दो बार निकाल लेंगे, फिर एक बार फिर अब ये दो चैन बना ली, देखो अब ऐसे बनेगा ये, बिल्कुल आसान है बनाने में।